आज मैं आपके साथ ब्रेड से बनने वाले बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बच्चे हो या बड़े, सभी को बहुत पसंद आएगा और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले कोई भी एक फ्राई पैन या फिर कढ़ाई लेंगे, गैस को ऑन कर देंगे। अब इसमें करीब 50 ग्राम जितना बटर डालेंगे। अगर आप चाहो तो इसमें बटर की जगह घी या फिर ऑयल भी डाल सकते हो। अब इसमें एक चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। करीब 12 से 15 कली लहसुन की लेंगे, इनको बारीक चॉप कर लेंगे। अब लहसुन को हल्का सा भूनेंगे, इसको ज्यादा लाल नहीं करेंगे, बस हल्का सा ही भूनेंगे। अब इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। इसमें दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अब इनको भी हल्का सा भून लेंगे। प्याज हरी मिर्च को भी ज्यादा लाल नहीं करेंगे, इनको भी देखिए इस तरीके से हल्का सा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। अब ये 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, इसको देखिए इतने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। चिकन को भी इसी में डाल देंगे। अब इसको हल्का सा चलाएंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे, एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, आधा चम्मच ओरिगेनो है, आधा चम्मच नमक है। आप इसमें मिर्ची और नमक की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको ढककर लो फ्लेम पे करीब 4 से 5 मिनट पकाएंगे, जिससे क्या होगा चिकन अच्छे से गल जाएगा। अब ये एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है, इसको बाउल में डाल देंगे। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और इसका थोड़ा गाढ़ा सा घोल बना लेंगे। इसमें मैंने एक कटोरी पानी तो डाल दिया है, अब इसको चेक करेंगे। अभी ये घोल काफी गाढ़ा है, इसमें करीब आधी कटोरी पानी और डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैंने 1.5 कटोरी पानी डाल दिया है। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाना चाहूंगी। ये घोल देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, हमें इतना ही गाढ़ा घोल चाहिए। चिकन को भी पकते हुए करीब 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसकी थोड़ी देर और भुनाई करेंगे। इसके अंदर ये जो हल्का सा पानी दिख रहा है, इसके पानी को अच्छे से सुखा लेंगे। चिकन की भी देखिए भुनाई हो गई है। अब पैन को चूल्हे पे से उतार लेंगे और इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब नाश्ते को फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म करने के लिए रख देंगे। अब ये देखिए मैंने ये बड़ी वाली ब्रेड ली है, इनकी साइड्स को कट कर लेंगे। इनकी साइड को कट करने के बाद इनको फेंकेंगे नहीं, इनको मिक्सी की हेल्प से पीस करके इनके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। हमें जितनी भी ब्रेड चाहिए इसी तरीके से कट कर लेंगे। अब ब्रेड की 2 स्लाइस लेंगे, इनको देखिए इस तरीके से बराबर कर लेंगे। इनको पहले घोल में डिप करेंगे, इनको सब तरफ से घोल से अच्छे से गीला कर लेंगे। अब इनको ब्रेड क्रम से कोट करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हमें जितने भी पीस चाहिए इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। ऑयल भी देखिए गर्म हो गया है। अब इसमें एक पीस को डाल देंगे। इसके ऊपर चम्मच से देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। तब आपको लगे कि इस साइड से फ्राई हो गया है तो इसको पलट देंगे। अब इसको देखिए इस तरीके से हल्के हाथ से दबाएंगे। इसको हाई फ्लेम पे सब तरफ से अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये पीस देखिए सब तरफ से एकदम बढ़िया तरीके से फ्राई हो गया है, इस पे कितना बढ़िया कलर आया है। अब इसको तो निकाल लेंगे। अब बाकी के पीसों को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये मैंने थोड़े से पीस फ्राई कर लिए हैं। अब मैं आपको इनको चेक करके दिखाना चाहूंगी। ये देखा आपने कितने बढ़िया तरीके से क्रिस्पी हो गए हैं।
अब इसको कट करेंगे। चाकू से इसकी शेप खराब हो सकती है, इसलिए इसको कैंची से कट करेंगे। इसको देखिए इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब हमने जो फिलिंग रेडी की है इसको चम्मच से देखिए इस तरीके से दबा दबा कर इनमें भर देंगे। मैंने जो चिकन की फिलिंग बनाई है, अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। आप इसमें चिकन की जगह पनीर की या फिर आलू की फिलिंग भी बना सकते हो। ये मैंने पूरे पीसों में फिलिंग को भर लिया है। अब इन पे अपनी पसंद के हिसाब से मेयोनीज डालेंगे। अब इन पे अपनी पसंद के हिसाब से टमाटो केचप डालेंगे। अब ये नाश्ता सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर के बताइएगा ज़रूर। और अगर ज़रा भी आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या है मेरी सारी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी।